ही नहीं, हर प्रोड्यूसर को भारती चाहिए, और आई एम फॉर्चुनेट कि भारती मेरे घर पे है तो मुझे डेट नहीं लेनी पड़ती तो खाली बोलना होता है कि चलो शूटिंग पे आ जाओ, और हमको सस्ती भी पड़ती है ना बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। ये पहली आर्टिस्ट है जो घर से इसके लिए खाना भी बना के लाती है, इसके कपड़े का भी ध्यान, इसके जूते का भी ध्यान, तो ये काफी हर्ष के लिए काफी सस्ती आर्टिस्ट है। और पहली आर्टिस्ट है जिसको मैं बोल, जिसको प्रोड्यूसर बोल सकता कि सबके सामने पप्पी दे। हमारा जो एक रिश्ता एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा पति पत्नी की तरफ नहीं है, हाँ। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की तरफ नहीं है, दोस्त है, और दोस्त में झगड़े भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी पति पत्नी तरफ है भाई। और मैंने और हर्ष ने इतने मजे किए हैं ना, जब हम कौले हुआ करते थे, कौले होते कौले आज, आज भी कौले हैं। नहीं नहीं, नहीं मैं किसी एंगल से कौली नहीं, मैं तो हूं भाई, मैं गौली हो गई हूं। तो बड़े मजे किए, मैं हर्ष की बाइक में बैठती थी, हर्ष मुझे बोलता था वहाँ चले वो पकोड़े खाने, वहाँ चले चाट खाने, पे कपड़ा बांध के, पे कपड़ा बांध के इसके साथ जाती थी, क्योंकि मैं कॉमेडी सर्कस करती, लोग पहचान लेते थे। शाहरुख सर के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि हाय वो आ जाए तो हमारा शो, मैं उनका, हम उनके फैन नहीं, उनके भक्त हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे को 2.5 महीने तो पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मोटे लोगों का पता नहीं चलता है। मैं खा पी रही हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, भाग दौड़ रही हूँ, नाच रही हूँ डांस दीवाने में। फिर मैंने बोला एक बार चेक करके देखती, चेक करके देखी तो मैं रख के आ गई थी, मैं बाद में देखा तो 2 लाइनें, मैं कहा हर्ष हर्ष, मैंने फिर हर्ष को बताया। Hi everyone, this is Avinash Lohana and you're watching Pink Thriller. If there was an award given to the most funniest couple in the business, it would definitely go to our guest today. I don't think you need any more hints. Please welcome Bharti Singh and Harsh Limbachia. Hello. Wow. Thank you so much. Thank you. ये तो हैरानी वाली बात हो गई। ये तो हैरानी वाली बात होगी, पहले दोनों गुजराती में बात कर रहे थे, तुरंत ही ये न्यूयॉर्क से बन गए। अच्छा। पहले तो आप एक काफी इंटरेस्टिंग शो कर रहे थे, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये शो, पिछली बार से क्या अलग होगा और ये फॉर्मेट क्या है। ये एक लौता ऐसा फॉर्मेट है जो नो फॉर्मेट है, क्योंकि फॉर्मेट वो होता है जहाँ पे अभी हम लोग सब जगह पे देखते हैं कि जज बैठा है, एक बंदा आएगा, 10 लोग चुनेंगे, उसमें से एक जीतेगा, हम 3-4 महीना वो शो के लिए देखते हैं, जो शो हम भी करते हैं, उसकी हाँ। एक अलग ब्यूटी है, एक अलग चीज़ है। मेरा ये मानना था कि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा हटके बनाऊँ, कुछ अलग बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि यार कोई ऐसी चीज़ जो हम घर में भी करते हैं, हम घर में क्या करते हैं, 4 लोग मिलके एक दूसरे की खींचते हैं, पत्ते खेलते हैं, मस्ती करते, खाना खाते हैं, मस्ती करते चले जाते हैं, बस वही थॉट है इस शो में। 4-5 दोस्त आएंगे, मिलेंगे, एक दूसरे की वाट लगाएंगे, बेस्ती वेस्ती करेंगे एक दूसरे की, चला मैं तेरे को गेम खिलाता हूँ, गेम खेलेंगे, हाँ। यही एक थॉट था, यही फॉर्मेट रहा है शो का। इस बार हमने खाली, लास्ट टाइम हमारा सेट थोड़ा छोटा था, चीजें थोड़ी कम थी, इस बार हमने इलैबोरेट किया हुआ, हाँ। इस बार हम वो इंटरनेशनल लेवल के मैकेनिज्म लेकर आए हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जो इंडिया में आज से पहले अचीव नहीं हुई, जो हम 3 साल की मेहनत के बाद हम ढूंढ के लेके आए, नहीं यार जहाँ इंडियन जुगाड़ दिमाग लगाया कि यार ये बाहर ऐसा हुआ है लेकिन हमको इंडिया में ऐसा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, लाइक तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो शायद कहीं देखी नहीं है। लाइक एक स्लाइड है, यूजुअली स्लाइड हमने ऐसी देखी है, ये हमारी पहली ऐसी स्लाइड जो ऐसे ऐसे होने वाली है, सो व्हाइल समबडी इज ऑन स्लाइड और स्लाइड ऊपर नीचे, वाओ, एंड जैकलिन वाज इन इट, जैकलिन की थी वो स्लाइड, तो वो बहुत अमेजिंग चीजें आने वाली है, आई एम श्योर। बट आप प्रोड्यूसर हैं, आप क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, भारती को ऑन बोर्ड लाने के लिए आपको कन्विंस करना पड़ा या इजी था वो? नहीं नहीं, मेरे को अगर, मेरे को जिंदा भी तो रहना है ना, भारती के बिना, और शो हिट कराना है तो भारती के बिना हो नहीं सकता, बिल्कुल लगता है। तो मैं ही नहीं, हर प्रोड्यूसर को भारती चाहिए, और आई एम फॉर्चुनेट कि भारती मेरे घर पे है तो मुझे डेट नहीं लेनी पड़ती तो खाली बोलना होता है कि चलो शूटिंग पे आ जाओ, और हमको सस्ती भी पड़ती है ना बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। ये पहली आर्टिस्ट है जो घर से इसके लिए खाना भी बना के लाती है, इसके कपड़े का भी ध्यान, इसके जूते का भी ध्यान, तो ये काफी हर्ष के लिए काफी सस्ती आर्टिस्ट है। और पहली आर्टिस्ट है जिसको मैं बोल, जिसको प्रोड्यूसर बोल सकता कि सबके सामने पप्पी दे। पर यू नो आपकी पेयरिंग काफी हिट हुई है कुछ सालों में और बहुत लोग पसंद करते हैं आपको, पर एक अच्छी चीज है कि आप दोनों एक दूसरे को काफी रोस्ट भी करते हैं। आप रियल लाइफ में ऐसे हैं या घर पे भी ऐसे? आप घर में एक बार हमारे साथ रह के देखो, आपको लगेगा। आप इसके बाद क्या कर रहे हो? घर चलते हैं। तो आप रह के देखो, हमारा सुबह शुरू ही इस चीज से हो जाता है, सुबह ही से गाली गलौज। मैं कभी सुबह पप्पी कर, अरे मत करना भारती, सोने देना, कितनी देर, 15 मिनट बाद आके उठाती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। तो हमारा मस्ती मजाक चलता है, ऐसा लगता 2 दोस्त एक साथ रह रहे हॉस्टल में। हाँ जी, काफी बेस्ट फ्रेंड्स वाली वाइब है आप दोनों की वैसे भी। मतलब वी डोंट नीड एनीबॉडी, मतलब हम, मैं और भारती है, हमें कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम पूरा दिन साथ में चिपके रहते गोंद की तरह, हाँ। नहीं, मैं अपने रूम में, वो अपने रूम में, मैं अपना लिखता रहता हूँ, ये अपना फैमिली से बात करेगी, कुछ वेब सीरीज देखेगी, कुछ करेगी, हाँ। ऐसा नहीं है, बट ये है कि हमारा जो एक रिश्ता एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा पति पत्नी की तरफ नहीं है, हाँ। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की तरफ नहीं है, दोस्त है, और दोस्त में
झगड़े भी होते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं, नहीं पति पत्नी तरफ है भाई बिल्कुल तभी तो ये हुआ। हाँ है। और हम दोनों कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, अभी ये आ गया ये हमारी दोस्ती ना तुड़वा दे कहीं, ये हमें माँ बाप ना बना दे, है ना। नहीं 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 होगा, वो बिल्कुल आपकी तरह ही होगा। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए, वरना इसको रख देंगे अलमारी में। बच्चा भी नहीं बैठा है, 9 महीने इसने भी काम किया और बच्चे ने भी काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा ज्यादा करेगा तो अलमारी में रख देंगे और रात को आके खोलेंगे क्या कर रहा है तू। कभी कभी एक दूसरे से खतरा भी महसूस होता है? खतरा तो नहीं, मैं तो जहाँ हर्ष होता है वहाँ सेफ महसूस करती हूँ। कई ऐसा कभी कभी हम जाते हैं, मेरे को एक चीज से बहुत खतरा लगता है ये ना, इसको ना जब ये बात करती है कॉमेडी करती है तो इसको शायद इसको ब्रेक नहीं पता। हाँ। क्योंकि अंदर से निकलता है ना, गरे गरे। हम बहुत कम कॉमेडियन होते हैं, कुछ कॉमेडियन होते हैं जो सोच के बोलते हैं। हाँ। कुछ कॉमेडियन होते हैं जो बोल के सोचते हैं, ये बोल के सोचने वालों में से ये पहले बोल देती है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है, बट फिर ये बाद में बोलती है अरे यार मैंने क्या बोल दिया। तो कभी कभी बड़े बड़े स्टारों को भी कुछ भी बोल देती है, फिर हम हंस रहे होते हैं क्योंकि वो भी कुछ नहीं बोल पाते। अब जब मैं जैसे हुनरबाज कर रही हूँ तो वहाँ मिथुन दा के साथ मेरा बड़ा चलता, अरे दादा लड़कियाँ आ गए, अरे तू क्या करती है यार मेरा घर तुड़ाएगी, तो मेरे को मिथुन दा को छेड़ने का इतना मजा आता है और वो इतने स्वीट है। मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रही हूँ। हाँ। शो में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कॉलेज का दोस्त है, मिथुन मिथ्या, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ उनको। मेरे को बहुत मजा आता है क्योंकि इतने सीनियर है, सुपर स्टार है, बट वो इतनी मस्ती करते हैं मेरे साथ कि मुझे इतना कम्फर्टेबल कर दिया, ऐसा लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। छोटा कैसा है, कैसा है, ऐसे पूछते रहते हैं, बहुत मजा आता है। तो हर्ष के साथ मेरे को कभी कोई खतरा नहीं, मैं सेफ महसूस करती हूँ कि जो लाइनें मुझे नहीं लेनी हर्ष तू ले लेना। प्रेगनेंसी कार्ड में बहुत मजे से खेल रही हूँ, वीमेन कार्ड जो होता है ना, तू कर लेना मैं थक गई, हाँ चलो मैं ले लेता हूँ, तो ये इसको क्या पता मैं तो मजे कर रही हूँ, बेचारे इसको लगता है मैं थक गई हूँ, तो सारी बड़ी बड़ी लाइनें हर्ष ले लेता है। बट यू नो सारी लव स्टोरीज काफ़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी स्पेशल होती है, पर आपकी बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत क्यूट सी है। आपको याद है जब पहली बार आप एक दूसरे को मिले थे या देखे थे, पहला इंप्रेशन क्या था? बहुत भद्दे थे हम, मतलब मैं भी अजीब सी, ये भी अजीब से ही है, और है ना हर्ष, हम लोग को प्यार मतलब प्यार नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कुछ। हाँ। भी इट वाज जस्ट कि मैं स्क्रिप्ट सुना रहा था, ये कॉमेडी सर्कस का कोई स्क्रिप्ट सुना रहा था मैं, वो टाइम पे ये आ गई अंदर, इसने ऐसे दरवाजा खोला और मैं तब नया नया राइटिंग कर रहा था, तो बड़ा आदमी बहुत नर्वस होता है कि यार अच्छी जा रही है, चलो लोग हंस रहे, सुना रहा हूँ, और सडनली ये मैडम आके मेरी लिखी गई बातों पे से ज्यादा खुद की बातों से हंसा के चली गई। अब मेरा फ्लो टूट गया, सब गया, मैंने बोला यार चलो ठीक है पढ़ लेता, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन था। हाँ। इसने तो गौर भी नहीं किया होगा, मैं तो गौर भी नहीं करती अभी सोचो कि मेरी उस लड़के से शादी हो जाए तो मैंने उसको गौर ही नहीं किया, तो मेरे लिए वैसे एक बैग की तरह था, सिर्फ बैग, लेकिन अब वो ये बैग उठाने वाला है, इस ग्रीन बैग का पति हो गया है, पति हो गया है। तो प्यार कब हुआ यार? आई थिंक इवेंचुअली हुआ, मतलब आई एम श्योर कुछ 2-3-4-5 साल लग गए दोस्ती में। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं था कि डे वन से, इट वॉज जस्ट कि हम दोनों ही अपनी लाइफ में थे, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट सडनली फिर ऐसा जब हो जाता है कि नहीं यार कोई चाहिए साथ कोई, और फिर ऐसा होता है कौन है, अरे यही तो है, एंड देन फिर हमने एक दूसरे को कहा, प्यार हुआ, बातचीत की, फिर वक्त लिया और 5-6 साल लग गए शादी। अच्छा। तक आते, तो इट वॉज लाइक 10 साल की बातें थी। भारती आपके लिए भी सेम था? हाँ बिल्कुल सेम था, मैं तो पंजाब से आई थी, मुझे ऐसे लगता था किसी लड़के ने शादी के लिए बोल दिया तो उधर जाके तो डंडे ही ना पड़े पंजाब में। हाँ। ये कि ये भी वैसे ही निकली ना, गई थी तू काम करने पंजाब से, उधर देखो लड़कों के साथ घूम रही है, बट जब शादी के लिए बोला है, घूमने के लिए बोला ही नहीं इसने, और मैंने और हर्ष ने इतने मज़े किए हैं ना, जब हम कौले हुआ करते थे, कौले ही होते हैं आज भी कौले हैं, नहीं नहीं हाँ, मैं किसी एंगल से कौली नहीं, मैं गौली हो गई हूँ। तो बड़े मजे किए, मैं हर्ष की बाइक में बैठती थी, हर्ष मुझे बोलता था वहाँ चले वो पकोड़े खाने, वहाँ चले चाट खाने, कपड़ा बांध के, मुँह पे कपड़ा बांध के इसके साथ जाती थी क्योंकि मैं कॉमेडी सर्कस करती, लोग पहचान लेते थे। वाह। फारा खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर शाहरुख खान टास्क करते आपके शो में तो ही वुड हैव नेल्ड ऑल द टास्क, उनके अलावा who do you think would have been really suitable for your show? शाहरुख सर के अलावा कोई नहीं है क्योंकि हाय वो आ जाए तो हमारा शो, मैं उनका, हम उनके फैन नहीं उनके भक्त हैं, वो बिल्कुल बात है, क्योंकि हम उनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो एक बार आ जाए हमारे शो में एक दो बार, जो शोज में हम प्रीवियसली काम कर चुके हैं वहाँ पर आए हैं, और जब भी उनके साथ बात करते हैं या कुछ स्क्रिप्ट सुनाते हैं तो एक अलग एनर्जी है, एक और बिल्कुल, और कभी भी जब उनके साथ काम किया, मैंने बहुत सारे शोज में आए, कोई ब्रीफ कर रहा होता ओके
ओके, बाकी भारती कर लेगी, मैं देख लूंगा. तो मुझे इतना होता कि इतना बड़ा सुपरस्टार, और मुझे लगता कि अगर एक दो दिन में अगर हमारे शो में अगर वो आ भी गए तो मेरी डिलीवरी वहीं ना हो जाएगा खुशी के मारे. क्योंकि सच में अर्श ने कहा कि हम उनके फैंस नहीं, हम उनके भक्त हैं. और मैं दिल से उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, और हार्ड वर्किंग इतने, और इतने प्यार से बोलते हैं, मतलब सच में मैं तो भक्ति हूँ. पर भारती, अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन शुड कम योर वे एज वेल. आप अभी तक काम कर रही हैं, प्रमोशंस चालू हैं, और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला जो वीडियो आपने डाला था वो इतना फनी था, इतना क्यूट था. जब आपने वो सच ही था, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे को 2.5 महीने तो पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मोटे लोगों का पता नहीं चलता है. मैं खा पी रही हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, भाग दौड़ रही हूँ, नाच रही हूँ डांस दीवाने में. फिर मैंने बोला एक बार चेक करके देखती, चेक करके देखी तो मैं रख के आ गई थी. मैं बाद में देखा तो 2 लाइनें, मैं कहा हर्ष हर्ष, मैंने फिर हर्ष को बताया. तो हमारे लिए वो भी एक सरप्राइज ही था. मतलब हमने कोई प्लान नहीं किया था कि चल अब प्लान करते, अब उस जिंदगी के उस सफर में आ गए हैं कि अब माँ बाप, ऐसा कुछ भी नहीं था. 2 साल बाद और होता तो भी कोई टेंशन नहीं थी, 2 साल पहले होता तो भी ऊपर वाले के आपने. बिल्कुल, बट एज एन आउटसाइडर लगता है बहुत प्यारे पेरेंट्स बने, विल बी वेरी वेरी लविंग पेरेंट्स. कोई आप लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि हम क्या करेंगे, नाम कि लड़का होगा कि लड़की, मतलब पता नहीं क्या रखेंगे, जिगना रखेंगे, हेतल रखेंगे, या सुरेंद्र रखेंगे, या पप्पू रखेंगे, कुछ भी नहीं सोचा. बस आप लोग के ही हवाले है. आप जब भी आपको पता चल जाए कि हमारे घर में बेबी हुई है या बाबा हुआ है, प्लीज़ पिंक विला, कम से कम 200 नाम तो आपकी तरफ से आने चाहिए. डन, ठीक है. हाँ. आप गुजराती नाम नहीं भेजोगे, लेकिन पंजाबी भी भेजोगे, हिरल ऐसे वाले नहीं, सारे मिक्स वाले भेजोगे. बिल्कुल. रॉकी है ना, सबीना, सब मिक्स करके, है ना. डन. पर बेबी रूम रेडी है, मैंने देखा. हाँ, बेबी रूम रेडी. और सबसे फनी है वो खुल नहीं रहा है, जैसे इसने खुद बनवाया खड़े रह के. इसको तो पता भी नहीं था. हाँ. कि पता मैं क्या था, क्या काम चलता है घर में, पता होता है. लेकिन मेरे को लगा कि चलो ठीक है, सरप्राइज देना चाहती है तो मैं तो जाके देख के तेरा सरप्राइज खराब भी कर सकता था. लेकिन मैंने रिस्पेक्ट की उस चीज की कि ठीक है बनाने दो. और ये भी बहुत बड़ा झूठ है, घर में कोई काम नहीं चल रहा था, वो अलमारियां बाहर से बन के मंगवाई गई थी. ये पकड़ा गया ना, चिपक तो रही थी यार, क्या करें. बिल्कुल. पर भाई पता नहीं था, लेकिन नुक्स निकाल रहे थे, वो दरवाजा ऊपर वाला खुल नहीं रहा था. कैसा ये, क्या रंग, कितनी गंदी अलमारियां, इसका देखो ये, वो ऐसे करता रहा. मुझे लगता है जब बच्चा डॉक्टर हाथ में, अरे कैसा बच्चा है दिया इसने, इसका नाक देखो, बाल देखो, इधर से है ही नहीं. ऐसे तो नहीं गलतियां निकालेगा ना भाई. सॉरी भाई, कह दिया है. नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं. हाँ, वो बच्चा हमारा ही होगा. पर आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप लोग शोज होस्ट कर रहे हैं, आप कपिल शर्मा कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, इतना सारा प्लान है कुछ ब्रेक लेने का आफ्टर द बेबी अराइव्स? हाँ, मैं दिस, मैंने इनका तो मुझे पता नहीं, मैं अपना बच्चा उठा के सलमान खान की तरह बांध के निकल जाऊंगी. मैंने दिसंबर में सोचा है कि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है अपने बच्चे के साथ. पापा wow, प्लान करेंगे, प्लान कर रहे हैं अभी, बस वही है दिसंबर तक. हाँ, तब तो अगर कोई काम नहीं आया तो चले जाएंगे. देख, गुजराती मतलब धंधा नहीं छोड़ना भाई, मतलब मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, मैंने ये सोचा है. और मैं हमेशा करती हूँ इसे, साल में 10-15 दिन अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ मैं बिताती हूँ. ये बिल्कुल भी नहीं, ये पता नहीं कैसे मैंने एक चीज़ देख ली है. लोग बोलते हैं कि हाँ गुजराती मनी माइंडेड बिजनेस वाले होते हैं, वाकई होते हैं. मैंने देखा ये चीज़, अगर हमारी टिकट्स बैग बुक हो गए हो और अगर हर्ष को कोई काम आ गया ना कि ये करना है भाई, तो ये सच में मुझे छोड़ देगा. बोलेगा तू जा, मैं आ जाऊंगा 4 दिन बाद, यार अपना ही फायदा ना, कल को फ्यूचर, ऐसे करता ही है. मेरा एक ही मानना है कि अगर मुझे दुबई जाना है हाँ. या अमेरिका जाना है तो अमेरिका 4 दिन बाद भी वही रहेगा, 4 दिन बाद काम शायद ना रहे. बिल्कुल. सो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वर्क, क्योंकि काम एक ऐसी चीज है जो सबको नहीं मिलता. अगर आपको मिला है आप उसकी इज्जत करिए. सारे गर्दन क्यों हिला रहे हो, करते घूमना फिरना तो चलता है, क्योंकि सबकी शादियां हो चुकी, सब चाहते हैं कि पति पत्नी से थोड़ा ब्रेक हो. करते ऐसे सब तुम्हारे साइड दे रहे हैं. नहीं, जो इच्छाएं जो आपने सोचा है कि आप 25 दिसंबर को वहां पे स्नोफॉल में क्रिसमस मनाओगे, वो वही होना चाहिए. वो 25 वो 5 दिन बाद क्रिसमस नहीं आएगा. 15 साल हो गए इसको काम करते हुए, इतना सारा काम कर लिया तो ये लोग तो बोलेंगे बोलेंगे हम जुम्मा जुम्मा 4-5 साल. ये लोग क्या, तेरी बीवी हूं यार मैं, कोई चौल से थोड़ी आई हूं साहिब. जो लोग ऐसा 10-15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, वो बोलेंगे यार हम तो बिल्कुल गरीब लोग हैं यार, हमें तो काम करना पड़ेगा. ओ वाओ, गरीब लोग. हाँ जी. पर आपके साथ काफी अच्छा अच्छा हो रहा है, टचवुड, भगवान करे यही होता रहे. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो एंड एवरीथिंग एल्स इन द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. मुझे पर्सनली पिंक विला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने एंड में ये नहीं कहा कि चलिए एक रील बनाएं. थैंक यू गाइस, थैंक यू. हाय गाइस, मैं हूं भारती और मैं हूं हर्ष, और आप हमें देख रहे हैं पिंक विला पर. प्लीज सब्सक्राइब करिए पिंक विला को, लाइक करें, शेयर करें,
और शेयर करके हमें मत भेज देना, आगे लोगों को भेजिए। हमारा इंटरव्यू बहुत ही मस्ती मजाक वाला है और खतरा खतरा शो शुरू हो रहा है मंडे टू फ्राइडे 7 बजे वूट पे और 11 बजे कलर्स पे। बच्चों खुश हो जाओ।